करेंगे उन बेजुबानों की जो महीनों से जंजीरों में और पिंजरों में कैद हैं, लेकिन इन बेजुबानों के सुध लेने वाला कोई नहीं है। बस कैद करके उनको भुला दिया गया। वो बोल सकते हैं लेकिन उनका दर्द यहाँ कोई समझ नहीं पा रहा। बस विभाग के अधिकारी इस दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं। पूरा मामला। ए इंसान, अब तो रहम कर। जंजीरों में बेजुबानों की जिंदगी, दर्द देख दिल हो जाएगा छलनी। आजादी के इंतजार में गुजरे महीने, जंजीरों में जकड़े बंदरों का दर्द। जंजीरों और पिंजरे में बंद बंदर को देखिए। आजादी से उछल कूद करने वाले बंदर कैद में हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों बंदरों को इस तरह रखा गया है, आखिर इनका कसूर क्या है जो इस तरह कैद करके रखा हुआ है। दरअसल ये बंदर जंगल से शहर में आ गए, इसके बाद वन विभाग की टीम ने इनको पकड़ लिया और संजय पार्क में बने रेस्क्यू सेंटर में इनको रख दिया। कहा जा रहा है कि रेस्क्यू कर वन विभाग के अधिकारी इन बंदरों को जंगल में छोड़ना भूल गए। कई महीनों से बंदर इसी तरह बंद है। संजय पार्क के कर्मचारी भी अधिकारियों को इसे लेकर कई बार बता चुके हैं, लेकिन अब तक बंदरों को जंगल में नहीं छोड़ा गया। इन बंदरों को शहर से रेस्क्यू करने के बाद संजय पार्क में रखा गया और मैंने विनती की थी, डीपो से भी बात किया था कि इन बंदरों को लगभग 24 घंटे के अंतर्गत इनके परिवेश में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आज 3 से 4 महीना बीत जाने के पश्चात भी मैं देख रहा हूँ कि वो बंदर वैसे ही दयनीय स्थिति में है और छोटे से पिंजरे में वो कैद की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे चूंकि बंदर जो है वो वन्य जीव का हिस्सा है और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंतर्गत संरक्षित प्रजाति है, इन्हें बांधना कैद करके रखना ये इन सभी के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। उधर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बंदरों का स्वास्थ्य देखा जा रहा है, जैसे ही डॉक्टर्स की रिपोर्ट आएगी उसके बाद बंदरों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। संजय पार्क में जो बंदर लाया गया है वो रेस्क्यू करके लाया गया है और रेस्क्यू का पर्पस हमारा ये रहता है कि उसका प्राथमिक चिकित्सा की जाए और उनकी स्थिति को देखते हुए हमारा उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द उन्हें जंगलों में वापस छोड़ा जाएगा। इस तरह बंदरों को कैद में रखने से पशु प्रेमी नाराज हैं और बंदरों को जल्द से जल्द जंगल में छोड़ने की अपील की है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत, न्यूज 18।